की गई है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आप सबका मीडिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप लोग यहाँ पर आए और विशेष समय दिया आपने लिए, इसके लिए मैं अपने पूरे आउटरीच की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो हमारा ये यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है वो है कांग्रेस दिलाएगी न्याय। कांग्रेस दिलाएगी न्याय में ये हमारा जो कांग्रेस के जितने भी प्रपोस्ट हैं उसमें आउटरीच जो सोशल आउटरीच जो विभाग है वो एक उस वर्ग तक पहुंचने के लिए एक अभियान चला रहा है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। यानी कि हमारा खुद का आउटरीच का मतलब ये है कि जो रीच से बाहर हो, जो जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया वहां तक हम आउटरीच पहुंचने के लिए ये काम करता है। इसमें हमारे लिए कोई भी धर्म विशेष वर्ग जाति कोई बंधन नहीं है किसी तरह का, सब तरह के लोगों की मतलब सब वर्ग यहाँ पर शामिल होगा और उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं, बहुत सी समस्याएँ ऐसी होती हैं जो बहुत सालों तक चलती रहती है लेकिन उनको कोई न्याय नहीं मिल पाता, उनको कोई निस्तारण नहीं मिल पाता, वो अपने हक के लिए निराश होकर बैठ जाते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है आउटरीच का कि वो हम उनकी हक उनको दिलाएं, उनका न्याय उनको दिलाएं। मैडम, अब तक वैसे क्या समस्याएं इस समय प्रदेश में देखने को मिल रही हैं जिसको लेकर कांग्रेस मुद्दा उठाती रही है, पार्लियामेंट का घेराव होता रहा है, विधानसभा का घेराव होता रहा है? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी होती है, एक बताने से काम तो नहीं चलेगा। हम सब देखते हैं कि बहुत छोटी से छोटी घरेलू स्तर से राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो चलती रहती है, जिनके लिए खुद न्याय के लिए एक लंबा समय बीतता है। तो हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम अपनी तरफ से उनको पहल करें, तो हमारी पहल जो भी शिकायत आएगी, जो भी समस्या आएंगी, हम उनके लिए तैयार हैं। इसलिए हमने एक ये अभियान शुरू किया हुआ है जो एक न्याय पेटिका के रूप में हमने यहाँ पर बनाया है, ये जिसमें आम जन कोई भी, जैसे हम अपने सभी जिलों में और जितने भी लोकसभा क्षेत्र जो हमारे सांसद हैं वहाँ पर भी लगाएंगे, और विशेष जिलों में जैसे अभी हमारा आज ये संबल से हमारा शुरुआत हुई है, मुरादाबंदर जिले में संबल से शुरुआत हो रही है, तो ये न्याय पेटिका वहाँ पर लगाई जाएगी। इसमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी होगा, इसमें जीमेल भी होगा, और इस पेटिका में भी आप अपनी शिकायतें आमजन वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जिसका निस्तारण हम समय समय पर उनको निकाल कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। सरकार की ओर से लगातार संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होता है, अब थाना दिवस का आयोजन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हो रहा है, तो क्या वो कामगर साबित नहीं हो रहा जो कांग्रेस को इसकी जरूरत महसूस हुई है? देखिए, हमारे पास जो बहुत सारी समस्याएं निकल के आई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं हो पाया, जो हक के लिए बहुत लड़ पाए लेकिन नहीं हो पाया, तो हमारा इसीलिए हमने ये सोचा कि एक आउटरीच कम से कम इस चीज को एक विशेष फोकस करें इस चीज पे। तो बाकी तो प्रक्रिया तो चलती रहती है लेकिन अधिकारी वर्ग से कहीं पेंडिंग हो जाती है, कहीं कोई अटक जाती है, तो हमारी कोशिश है कि हम व्यक्तिगत रूप से वहां तक उनके साथ जाकर वो काम करें। तो क्या इसी पेटिका के माध्यम से निस्तारण होगा या कांग्रेस सड़कों पर भी उतरेगी जनता की समस्याओं को लेकर? जरूरत पड़े तो समाधान समस्याओं के हिसाब से देखा जाएगा, जैसी समस्या होगी जैसा, हम कोशिश तो करेंगे पहले उसको निचले स्तर पर समस्याओं का निस्तारण कर पाए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बहुत नहीं हो पाएंगे तो उसके लिए आगे भी काम किया जाएगा। तो क्या मैडम, क्या वजह है आपकी? इकलौती विधायक आराधना मिश्रा हैं विधानसभा में, वो काफी समय से कुछ समस्याओं को नहीं उठा पा रही विधानसभा में, क्या कारण है, क्या व्यस्तता है उनकी? अब व्यस्तता तो क्या है, सबका अपना अपना वर्ग बना हुआ है, सबके क्षेत्र है वो, पर किस तरह से उनके लिए मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। मैं आज अपने आउटरीच की बात और न्याय समिति की बात कर रही हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं, मैं आज ये न्याय पेटिका है यहाँ पर जो भी होगा इसके लिए हम एक न्याय समिति का भी गठन कर रहे हैं जिसमें हम रिटायर्ड पर्सन भी लेंगे, एक वकील भी लेंगे, आप जैसे पत्रकार भी हमारे में शामिल होंगे, जो हम सबकी एक सहयोग भी करेंगे, तो पूरी एक न्याय समिति का गठन होगा जिसके तहत ये प्रक्रिया, ये समाधान निस्तारण किया जाएगा। मैडम, मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, एक 2005 सूचना का अधिकार टास्क फोर्स अधिनियम बनाया था, उससे क्या लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, काफी हद तक जो है उस पर काबू पाया गया है? देखिए, आप सब पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को, बहुत अच्छी से जानते हैं कि कांग्रेस किस हद तक लगी हुई है, और आज भी आज जो आप रिजल्ट देख रहे हैं कांग्रेस का, कहीं ना कहीं तो आप जनता तक वो पहुंच रही है, जनता तक वहां पहुंची है उसको निस्तारण, तभी तो आपने भी देखा, तभी तो आज यहां तक पहुंच पा रही है। धीरे धीरे कोई भी चीज करने के लिए वक्त लगता है, वो कोशिश पूरी की जा रही है कि हम वहां तक पहुंच पाए, जनता के दिल में उतर पाए और जनता से हम पूरे संसद तक भी पहुंच पाए पूरा तरह से।